study with me, a learning experience. Students, इस क्वेश्चन में हमें एक सर्कल गिवन है और हमने सर्कमस्क्राइब करना है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को. ट्राइंगल आप जानते हैं उसकी तीन साइड्स होती हैं, लिहाजा वो इस सर्कल को थ्री पॉइंट्स पे टच करेगा और हमने सबसे पहले वही फाइंड करनी है. सबसे पहले हम डायमीटर ड्रॉ कर लेते हैं ए बी. इसमें आपको साइडों पे दो पॉइंट नज़र आ रहे हैं लेकिन हम इसमें से सिर्फ एक यूज़ कर सकते हैं, वो है पॉइंट बी. आप ए भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं पॉइंट बी यूज़ करूँगा टेंजेंट बनाने के लिए. अब हम लोगों को दो मजीद पॉइंट्स चाहिए तो उसके लिए हम लोग ए ओ के बराबर रेडियस कंपस खोल लेते हैं और कंपस से एक आर्क ड्रॉ करते हैं. अब ये जिन दो पॉइंट्स पे टच हो रहा है सी और डी, ये हमारे वो दो रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं जिन पे हमने मजीद टेंजेंट बनाने होंगे. सी को ओ से मिला लें और ओ को डी से मिला लें. ये मिलाया इसलिए है ताकि हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाए जो कि टेंजेंट बनाने के लिए ज़रूरी होती है क्योंकि टेंजेंट 90 डिग्री का होता है. सबसे पहले पॉइंट बी के ऊपर हम लोग टेंजेंट बनाते हैं. उसका तरीका ये है, इस तरह कंपस रखी आपने और एक आर्क ड्रॉ कर ली. अब इस आर्क के ऊपर मजीद एक आर्क लगाई, उस आर्क के ऊपर कंपस रख के मजीद एक आर्क लगाई और इन दोनों आर्क से मजीद बाहर की तरफ एक आर्क लगाई और एक यहाँ से आर्क लगाई. ये दोनों आर्क जहाँ पे टच कर रही हैं उस पॉइंट को पॉइंट बी से मिला के एक्सटेंड कर लें. ये हमारा फर्स्ट टेंजेंट बन गया है पॉइंट बी पे. इसी तरह आपने पॉइंट डी के ऊपर भी टेंजेंट बनाना है और इसी तरह का टेंजेंट पॉइंट सी के ऊपर भी बनाना है. ओ ओ, ये थोड़ा बाहर चली गई तो स्क्रीन के अंदर मैं इसको खींच कर लाता हूँ. तो ये देखें, बहुत ही परफेक्ट हमारा सर्कमस्क्राइब हुआ है इक्विलेटरल ट्राइंगल. दैट्स इट.